अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन से पहले बाजारों में स्वदेशी राखियों की इस बार जबरदस्त डिमांड है। बाजार में इस बार चाइनीज राखियां बिल्कुल दिख ही नहीं रही हैं। दुकानदार इसको रख ही नहीं रहे हैं अपनी दुकानों पर, यहां तक कि लिख के लगा रखा है कि हमारे यहां चाइनीज राखी नहीं मिलती। लोग भी आ रहे हैं तो पहले ये पूछते हैं कि ये जो राखी है क्या ये चाइनीज है या इंडियन है, इंडियन है तभी खरीदते हैं। अब ये जो आप देखेंगे इस बार बाजार देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे साथ विजुअल्स में कि ये शिमला के जो बाजार हैं खासतौर पर मॉल रोड है, लोग खरीदारी के लिए निकले हुए हैं। और इस बार क्योंकि चाइनीज राखी नहीं है तो हम देख सकते हैं बच्चों के लिए जो तरह तरह की आकर्षक राखियां बना दी जाती थी वैसे नहीं है। भारतीय जो राखियां हैं पूरी तरह से पारंपरिक राखियां हैं और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं शिमला के लोग। मैं इस बार वैसे हमेशा यहाँ पे मेड इन चाइना की जो है मतलब राखियाँ होती थी, बट इस बार मैं इंडियन राखी खरीद रही हूँ जो इंडिया में ही बनी है, हमारे ही देश में बनी है। तो मैं वो राखियाँ खरीद रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं वही राखियाँ खरीद रही हूँ। हम ऐसे देश की GDP क्यों बढ़ाए, उनकी इकोनॉमी क्यों बढ़ाए जो हमारे देश के लिए खतरा है, जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और ऐसी राखी मैं अपने भाइयों को नहीं बांधूँगी जो हमारे फौजी भाइयों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिस जो कंट्री हमारे फौजी भाइयों पे हमला कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी स्वदेशी राखियां बनाई जा रही हैं, खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं को प्रेरित किया गया कि आप राखियां बनाइए और राखियां बाजार में पहुंचाने के लिए प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय सांसद भी मदद कर रहे हैं। खासतौर पर इस बार गोबर से बनी राखियों की जबरदस्त डिमांड है। अब इस बारे में आपको बताएंगे सुनाएंगे कि सांसद महोदय क्या कह रहे हैं। और लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बनाई जा रही है, गृह मंत्री के लिए राखी बनाई जा रही है, रक्षा मंत्री के लिए राखी बनाई जा रही है, हमारे जो फौजी भाई सरहदों पर तैनात हैं उनको भेजने के लिए राखियां बनाई जा रही हैं। और बड़ी संख्या में लोग महिलाएं हैं वो दिन रात काम कर रही हैं। और खासतौर पर मोदी राखी भी इस बार काफी डिमांड में है, मोदी राखी बनाई जा रही है। क्या है इंदौर में जो राखियों का जो उत्पादन हो रहा है, किस तरीके से राखियां बन रही हैं, सांसद क्या बता रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार आह्वान किया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है और लोकल को वोकल करना है, उसी के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक अभियान शुरू किया है। इंदौर में 22 केंद्रों पर 1 लाख से ज़्यादा राखियाँ हमारी माता बहनें बना रही हैं और वो चाइना से आने वाले मटेरियल का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी मटेरियल से राखी बना रही है। और यहाँ तक कि कुछ माता बहनों ने तो गोबर की राखी बनाई है और गोबर को लेकर तो हमारे विधि विधान में बहुत सारे वेदों में बहुत सारी उसकी बातें कही गई है। तो सबसे ज़्यादा उत्साह गोबर की राखियों का है। और यही नहीं, उन्होंने ऐसी राखी बनाई है जो वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजना चाहती हैं, माननीय हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी को भेजना चाहती हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भेजना चाहती है। उसके अलावा उन्होंने 21,000 राखियाँ जो सैनिक देश की पहरा दे रहे हैं सेना के जवानों के लिए बनाई हैं वो यहाँ से भेजी जा रही है। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उसको लेकर उन्होंने जो 1 लाख राखियाँ बनाई है उसमें कुछ तो वो अपने परिवार वालों को बांट रही हैं, बाकी हमने यहाँ सांसद बिक्री केंद्र बनाया है शहर के मध्य में, वो हम बिक्री करके जो राशि मिलेगी उस राशि को उन माता बहनों में भी बांट देंगे। उधर रक्षाबंधन से पहले राखी भाई तक पहुंच जाए। दरअसल इस बार क्योंकि कोरोना काल है तो त्यौहार मनाने के तरीके भी बदल गए हैं। वैसे तो राखियां अधिकतर जो होती हैं जो महिलाएं हैं बहनें हैं वो भाई के घर जाकर बांधती हैं या भाई बहन के घर आ जाता है, लेकिन इस बार जो डाक से राखियां भेजने का जो क्रम है वो काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, कई जगह लॉकडाउन चल रहा है तो लोग आने जाने में असमर्थ हैं और भी कई तरीके की चीज़ें हैं कोरोना काल में जो कि हमारे को SOPs फॉलो करनी पड़ती हैं, तो लोग इस बार कहीं बाहर निकलने से बच भी रहे हैं। तो डाक विभाग पर काफ़ी प्रेशर है, डाक विभाग ने क्या तैयारियाँ की हैं आइए आपको दिखाते हैं। राखी का त्यौहार में सबसे पहले तो विभाग की तरफ से एनवलप जारी किया गया है जो बहनों को भाई का प्यार इसके माध्यम से भेजा जा सकता है। इसमें बहनें अपने भाई को समय पर अपनी राखी भेज सके इसके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, हमने अपने इधर भी व्यवस्था की गई है भाई, जो हमारे महानगर हैं मेन स्टेशन हैं जिनके लिए ज़्यादा बुकिंग होगी हम उनके लिए स्पेशल बैग बनवाकर उनको सीधा डिस्पैच करवा देंगे। COVID-19 का चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, हर बंदा बाहर निकलने से थोड़ा परहेज करता है, मोर ओवर
ट्रांसपोर्ट हमारी बाधित है, तो उसमें ये सबसे यूज़फुल रहेगा कि बहनें अपना प्यार राखी का अपना लेटर के माध्यम से भेज दें। आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में वापस लिए चलते हैं। यहाँ पर एक सब्जी विक्रेता महिला, प्रशासन खासतौर पे जो नगर निगम का प्रशासन है उसके अधिकारियों से कुछ अपनी बात कहना चाह रही हैं। अपनी बात वो अंग्रेजी में कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। आप भी इस महिला की दाद देंगे। Here I am selling fruits and vegetables. All they are my friends and are my family. In each family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush, there is no people. But what the decision from the collector and from the Nagar Nigam? We will not stay and run our handcart on the road. How it is possible? All they are giving us large amount of money, large amount of money. This Nagar Nigam seems to be very badly us. Run away from here, run away from here. Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will add to our family? How it is possible? We are not selling fruits, we are not selling vegetables. Then how we will survive our families? How we will give our children? What? हम शेर खा लें या मर जाए, या कलेक्टर के घर पे जाके मर जाए, या मोदी के यहाँ जाके मर जाए, या इस नगर निगम के गले पड़ जाए। किसके गले पड़े? ये मंडी आज से नहीं है, हमारी 6 से 7 पीढ़ी जा चुकी है। Here we are from the heritage family. We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. I am selling mangoes from my age. My education is PhD in material science. I was there, but I am not ready to do job because private job is not a job. Today there is no earning. So only normal days, how much you are earning? Here to there and rushing. Just waiting and money, that's it, nothing else.